કયા એ સ્થિતિ છે એટલી પૂરો સુકો ઓપો દેખ લ્યો ઓ દેખ લ્યો બમા ખાડા ચાર પાંચ કુવા છે બાકી ફોટો લઈ લ્યો બિલકુલ પહેલી મેં હતા મોફળી બોતા હતી ટ્રાલી પર થી હવે તો ટ્રાલી કોણ ટ્રાલી છોડ રહી એક બોરી કોણ ભર શકા આ સ્થિતિ હોગી આ સ્થિતિ કમ સે કમ ભી આજે પાંચ સાલ કે માય માય હોગી પાંચ છ સાલ કે અંદર અંદર हालत है बहुत दयनीय है। इस ओर किसी की नजर नहीं जाती। लोग टीवी को देख लेंगे, अखबार को देख लेंगे, लेकिन रियलिटी में क्या है आज गांव में, जहाँ पानी जा रहा है, उनकी आज की स्थिति क्या है किसी ने नहीं देखा। जिस दिन भी जो भी लेक्चर सुनता था, रूम में बैठा होता था, किताब के पन्ने उलट रहा होता था, हर वक्त एक चीज दिखाई देती थी कि इस फॉर्मूले का कैसे यूज करूँ उस गाँव में कुछ डेवलप करने के, उन गांव के उन लोगों को रोजगार देने के लिए, जो युवा भटक रहे हैं उनको सही रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन एक भी फॉर्मूला नहीं मिला। पूरी इंजीनियरिंग कर ली, चार साल बिता दिए, लेकिन मुझे एक भी ऐसा कोई जरिया नहीं नजर आया जिससे इस गांव में कोई रोजगार का नया विकल्प मैं स्थापित कर सकता। हम चाहें तो रियली में इंडिया को गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकते हैं। इस विचार को एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से शब्दबद्ध किया है। कहानी की शुरुआत राजस्थान के गांव से होती है। गांव के एक परिवार को इसका माध्यम बनाया गया है। उस परिवार के माध्यम से पूरे गांव की कहानी को इसमें दिखाया गया है। गाँव की क्या पूरे राजस्थान का चित्रण है। मुझे एक इंजीनियर नहीं, मुझे सबसे पहले एक गांव के लिए एक अच्छा ग्रामीण बनना है। जोदी थोर दाग शुने के ओ नाशे तबे एकला चलो रे, जोदी थोर दाग शुने के ओ नाशे तबे एकला चलो रे, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে।